हेलो एवरीवन, बिहेव क्वेश्चन इज इफ लॉग ऑफ बेस 10 पावर 2 इनटू लॉग ऑफ बेस 2 पावर 10 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 पावर 10 टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको जब यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ हो जाएगा बेस 10 पावर में आ जाएगा 2 इंटू हो जाएगा यहाँ से क्या, लॉग ऑफ हो जाएगा बेस 2 पावर में 10 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 और 10 टू द पावर ऑफ यहाँ पे क्या एक्स, इसकी वैल्यू क्या रखा है यहाँ से 2 के इक्वल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हम एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि क्या लॉग में अगर ए बेस होगा पावर में क्या बी दिया, तो इसको मैं एक अगर नया बेस राइट डाउन करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग ऑफ हो जाएगा बेस सी पावर में बी आ जाएगा और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से क्या लॉग ऑफ हो जाएगा बेस सी पावर ए हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी क्या हमें, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे लॉग ऑफ बेस ए पावर बी टू द पावर में सी लिखा है, तो इसको मैं कैरेट वन करूँगा सी टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से लॉग ऑफ हो जाएगा बेस ए पावर में बी आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। और किसी भी लॉग का बेस और पावर अगर दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो जब यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से लॉग ऑफ हो जाएगा बेस लॉग 2 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग 10 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगी, हो जाएगा लॉग 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से क्या लॉग ऑफ 2 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ से क्या एक्स इंटू में आ जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ बेस 10 पावर 10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से क्या 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो फिर हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा। वन मीन्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।